कि आपको भी नहीं पता कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप की हेल्प से पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। यहां पर आकर आपको सर्च करना है UIDAI, आपके सामने ऑफिशियली वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब यहां पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा वेरीफाई एन आधार नंबर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और ये जो कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पर फिल कर देना है और प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। यहाँ पर आपका एज लिखा है, आपकी एज 10 से 20 साल के बीच में है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जेंडर लिखा है मेल, स्टेट लिखी है आपकी उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, लास्ट के फ्रेंड 3 डिजिट बने हुए हैं 355। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है लास्ट के 3 डिजिट से। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप की हेल्प से कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है और कौन सा नहीं है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।